राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। सदियों से राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने जाति को एक मुद्दा बनाकर अपने अपने हित साधे हैं। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से जाट सियासत का बहुत बड़ा महत्व रहा है और आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के 10 बड़े जाट नेताओं के बारे में। सबसे पहले 10वें नंबर से हम शुरुआत करेंगे और 10वें नंबर पर नाम आता है सुभाष मेहरिया का। सुभाष मेहरिया भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। वे 1999 से 2004 तक मंत्री रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और अब राजस्थान के सीकर से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वे नवंबर 2016 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। 9वें नंबर पर नाम आता है जीतराम डूडी का। एक भारतीय राजनेता और राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा से 10वीं और 12वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। उनका जन्म 16 मार्च 1953 को भारत के हरियाणा में सिरसा जिले के चौटाला के पास तेजाखेड़ा गांव में डूडी कबीले के एक जाट हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम नैना देवी और पिता का नाम चौधरी लक्ष्मण राम डूडी था। 8वें नंबर पर नाम आता है हरि सिंह रावत का। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं जो राजस्थान के भीम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और लगातार 2003, 2008 और 2013 में भीम निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान से विधानसभा के सदस्य के रूप में लगातार 3 बार चुने गए हैं। उन्होंने भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे राज्य मगरा विकास बोर्ड राजस्थान सरकार के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। हरि सिंह रावत एक बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने अपना बचपन राजस्थान में बिताया और फिर व्यवसाय के लिए मुंबई और गुजरात चले गए, लेकिन अपने गृह नगर में आकर इसे राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक के रूप में देखकर उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरह उन्होंने 2002 में लोगों की सेवा करने के लिए इस व्यवस्था में प्रवेश करने का फैसला किया। अपने कार्यकाल की 14वीं विधानसभा तक हरि सिंह रावत ने वाद विवाद में भी भाग लिया और विधानसभा में कई सवाल भी पूछे। उन्होंने विविध मुद्दों पर बात की जिसमें सामाजिक न्याय, निर्वाचन क्षेत्र विकास, शिक्षा सुधार भी शामिल है। 7वें नंबर पर नाम आता है जगदीप धनखड़ का। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं। 2021 तक वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील भी हैं और लोकसभा के सदस्य भी थे। वे 1989 से 91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। वे 10वीं विधानसभा राजस्थान में किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। नंबर 6 पर नाम आता है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का। वे भारत के एक राजनीतिज्ञ हैं। 2008 से 2014 के दौरान राजस्थान से राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। वर्तमान में नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। वो एक समाज सुधारक हैं और राजस्थान में किसानों के नेता हैं। वे 1955 में राजस्थान कैडर से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। नंबर 5 पर नाम आता है उषा पूनिया का। बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री उषा पूनिया वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री भी थी। 2003 में उषा पूनिया ने जाट बाहुल्य नागौर जिले के मुंडवा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूनिया को बीजेपी ने मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट देने से मना कर दिया, जिसके बाद से उषा पूनिया लंबे समय से बीजेपी संगठन और नेताओं से नाराज भी रही थी। नंबर 4 पर नाम आता है हेमा राम चौधरी का। हेमा राम चौधरी अपने आप में एक बड़ा नाम है। राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट राजस्व मंत्री भी हैं। वे राजस्थान विधानसभा से 6 बार के गुड़ामलानी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे। हेमाराम चौधरी भी जाटों के बेहद खास नेता हैं। तभी तो बिना ज्यादा पैसा खर्च किए वे लगातार चुनाव जीतते आए हैं। नंबर 3 पर नाम आता है परसराम मदेना का। वे एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और राजस्थान भारत के वरिष्ठ जाट नेता थे। उनका जन्म जोधपुर जिले के लक्ष्मण नगर गाँव से हुआ था। उनकी पोती दिव्या मदेना वर्तमान में उनके निर्वाचन क्षेत्र ओसिया जोधपुर से विधायक हैं। लखनऊ से राजस्थान लौटने पर वे मारवाड़ किसान सभा और फिर राजस्थान किसान सभा में बलदेव राम मिर्धा के साथ शामिल हुए, जो दोनों कृषि आंदोलन थे।
किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गई थी और 1953 में वे चाड़े गांव के सरपंच के रूप में चुने गए। इसके बाद उन्हें राजस्थान में विधानसभा के सदस्य के रूप में भी 9 मौकों पर चुना गया। अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के दौरान वे राजस्थान मंत्रिमंडल, सामान्य प्रशासनिक, राजस्व, पंचायत राज, सहकारी, वन, उपनिवेश, पुनर्वास, बाढ़, अकाल, कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास, स्थानीय निकाय और भेड़ के मंत्री थे। ऊन, ऊर्जा, सिंचाई विभाग भी उनके अंदर आते थे। गौरतलब है कि मदेना का लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी 2014 की सुबह जयपुर में निधन हो गया था। और नंबर 2 पर नाम आता है रामेश्वर लाल डूडी का। ये मंत्री बीकानेर से हैं और जाटों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। राजस्थान के एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं। वे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। डूडी पहली बार विधायक बने थे और बीकानेर जिले के नोखा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वो एक बार कांग्रेस के सांसद भी थे और 1999 से 2004 तक लोकसभा में बीकानेर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। 2013 में विधायक या 1999 में सांसद के रूप में चुने जाने से पहले डूडी पंचायत राज स्तर पर राजनीति में थे। वे 1995 में नोखा से प्रधान के रूप में चुने गए थे। प्रधान रहते हुए उन्होंने 1999 में लोकसभा चुनाव भी जीता। वे नोखा निर्वाचन क्षेत्र से 2018 में भाजपा के बिहारी लाल बिश्नोई से हार गए थे। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हनुमान बेनीवाल का। जी हाँ, राजस्थान के नागौर निर्वाचन क्षेत्र से वे सांसद हैं। उन्होंने ये चुनाव मई 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता था। इससे पहले हनुमान बेनीवाल नागौर से विधायक और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी थे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक प्रमुख जाट नेता हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका जन्म 2 मार्च 1972 को हुआ था। वे राजस्थान के नागौर तहसील और जिले के बरन गांव से आते हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसान कौम के सच्चे साथी और हक के लिए लड़ने वाले हैं। अन्याय के खिलाफ अपनी दबंग आवाज उठाने वाले हैं और निडरता से अपना झंडा गाड़ने वालों में से जाने जाते हैं। और इसी विशेषता के कारण राजस्थान प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं हनुमान बेनीवाल और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये थे वो 10 कद्दावर नेता जिन्होंने जाट जाति के लिए हमेशा राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे लगी आपको हमारी खास रिपोर्ट? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। अरे तू मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।